आज के लिस्ट हम देखेंगे 7th का मैथमेटिक्स प्रैक्टिसर 25। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था 24, तो अभी देखिए सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब सिंपलीफाई का मतलब क्या है? यदि आपको इतना लेंथी दिखा है, इसको आपको स्मॉल एक सिंगल ओनली टू डिजिट, ठीक है, आपको ओनली टू डिजिट या वन डिजिट में आपके थ्री डिजिट आपको आंसर लाने, सिंपल इतना बड़ा आपको सिंपल टू या फोर डिजिट आपको आंसर लेके आने, ठीक है। हम देखिए तो इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या आपको बेसिक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो क्या देखिए, वो है बोर्ड मास। क्या है वो? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का मतलब क्या है? बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है? आपको ब्रैकेट है, ऑफ है, मिक्सक है, डिवीजन है, यह है मल्टीप्लाई है, यह है एड और यह है सब्सक्राइब, ठीक है। इस चीज़ आपको फॉलो करना है। पहली चीज़ आपको ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसको हम देंगे फर्स्ट, इसको देंगे सेकंड, इसको देंगे थर्ड, इसको देंगे फोर्थ, इसको देंगे फिफ्थ, इसको देंगे सिक्स, ठीक है। और आपको कभी किस टाइप की सम एक्सप्रेशन मिले, अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जिसमें आपको सब मिक्सचर, मतलब आपको ऐड भी रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा, डिवाइड भी रहेगा, माइनस प्लस, सब उसमें क्या आते हैं एक्सप्रेशन, आपको सब कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या देंगे एक्सप्रेशन। अब इसके आगे देखो तो देखिए, अभी देखो ये ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। समझो आपको मल दिया 5 of 100, तो सब सॉल्व कैसे करना है? सिंपल लिखना है आपको 5 into 100। कभी मैंने आपको लिखा 250 of 1000, तो सब क्या करेंगे 250 into 100 करेंगे 1000, ठीक है। बस ऑफ का मतलब क्या, आपको सिंपली याद रहना मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आपको ऑफ की मतलब आपको पहले ये सुना, अदरवाइज आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सम के ऊपर जाते हैं हम लोग। आपको ये ऑर्डर बिल्कुल भूलना नहीं है। और देखिए ब्रैकेट का तीन टाइप है, पहला क्या है? राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। इन सब में सबसे बिगर ये है, फिर से स्मॉल ये, फिर से स्मॉल ये आता है। तो देखिए फर्स्ट सम में क्या गिवन है? 50 into 5 divided by 2 plus 24। अब देखिए पहला रूल क्या, आपको ऑलवेज ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, इसको है नहीं, फिर ऑफ, वो मतलब ऑफ, तो ऑफ भी नहीं, इसमें मतलब ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब डिवाइड, यस डिवाइड तो है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले 50 into 5। अगर कोई भी आपको नंबर मालूम, अगर 10 upon 2 लिखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 upon 2 ऐसा 2 लिखते हैं, डिवाइड में ये है ना, तो उसमें मैं वही करूँगा, तो 5 और 2 का नीचे आएगा, प्लस 24। देखा हमने क्या किया, मतलब ब्रैकेट चेक किया, इसमें ब्रैकेट नहीं था तो हमने ये छोड़ दिया, आगे ऑफ, इसमें ऑफ भी नहीं था तो हमने ये भी छोड़ दिया, पर इसमें क्या था, डिवीजन था, तो इसमें हमने ऊपर डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिवाइड हो गया, अब देखिए हमने डिवाइड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए 50 into, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कौन है, ये नंबर ऊपर आपको नीचे वन रहता है, तो 2 1 देखिए, तो 2 1 2 मिलेगा, 50 into 5, तो 5 5 25 और 0 का 0, तो 50 into क्या है 5, तो मालूम 0 का 0, 5 5 25, तो 50 मिला आपको, तो मैंने 2 1 2 5 5 25 हो गया, प्लस 24। अब देखिए अब इसको अच्छा और डिवाइड कर दो, तो देखिए 2 1 2 2 1 2 4 बचा है तो 5, 2 2 4 1 बचा है 2 5 10, तो क्या मिला 125 plus 24। अब देखिए 5 plus 4 9, 2 plus 2 4, 1 का तो 1 लिखो, तो ये आपको आ गया फाइनल आंसर। तो देखिए हमने इसको सिंपलीफाई किया, आपको सिंगल ओनली 3 डिजिट में आंसर आया, क्या आया 149। तो देखिए आपको इसी तरह हर सम को सॉल्व करना है। तो सम नंबर 2 देखिए, 13 into 4, ये ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2 minus 26। अब देखिए आपका रूल क्या, पहले ऑलवेज बोर्ड मास, तो बोर्ड बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ऊपर सॉल्व करेंगे, तो 13 into 4 मतलब देखिए 4 3 12 कैरी 1, 4 1 4 plus 1 5। आप ऐसा भी करके देख सकते हैं 13 into 4 4 12 कैरी 1, 4 plus 1 5, तो 52 आपको मिला, यस। अभी डिवाइड है,
अब देखिए पहले हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज क्या बोला है, पहला ब्रैकेट मीन्स जो भी चीज अंदर ब्रैकेट के अंदर उसको पहले सॉल्व करना है, जो भी चीज पहले ब्रैकेट के अंदर आपको पहले वो सॉल्व करना है। तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, अब डिवाइड ये माइनस 26। अब देखिए आपको गलती से अपने क्या नहीं करना, ये क्या नहीं है 26 माइनस 2 नहीं करना, 24 अपने लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 24 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए क्यों, आपका रूल क्या है, पहले डिवाइड बोर्ड ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवाइड फिर मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमने क्या किया, अब 52 को करना, सेकेंड स्टेप हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ऑफ था ही नहीं तो डिवाइड करना आपको, तो 52 डिवाइड बाय 2 माइनस 26, ठीक है। हमने ये ऑफ था ही, इसको कुछ यूज नहीं, मतलब ब्रैकेट हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया देन ऑफ डिवाइड माइनस 26। तो देखिए 2 1 2 2 2 4 कैरी 1 2 6 12, तो 26 मिला माइनस 26 मिला, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 26 में 26 जीरो कितना मिला आपको, मिलेगा 0, तो आपका आएगा फाइनल आंसर। तो हम देखिए 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर माइनस राउंड ब्रैकेट माइनस 11 इंटू माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 42 डिवाइड बाय 14 माइनस 1। अब देखिए आपको सिंपली अगर सिंपल आप इसको फॉलो करो आपको आंसर परफेक्ट आएगा। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अब देखिए पहली चीज आपको क्या है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कहाँ पर है, अंदर है, ब्रैकेट के तीन टाइप हैं मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है देन इसको लास्ट में हम लोग पहले क्या है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते दोनों है, तो माइनस 11 देखिए माइनस माइनस प्लस 11 थ्री जा 33, तो 11 थ्री जा 33 मिला माइनस माइनस प्लस प्लस आपको लिखना नहीं बिल्कुल भी, और इधर देखिए ये माइनस माइनस ठीक है माइनस माइनस लिखना आपको, ये प्लस 42 मिलेगा फिर डिवाइड बाय, अब डिवाइड का मतलब क्या है 14 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सिंपल आप क्या करो इसके लिए, अभी 140 डिवाइड बाय 33, अब देखो अब ये दोनों को ना ऐड नहीं करना, क्यों, बिकॉज क्या डिवाइड है ना, तो 42 डिवाइड बाय 14 माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, अब देखिए ये जो 42 है 42 अब डिवाइड किया था 14 थ्री था 14 थ्री था कितना रहा है, तो 14 थ्री था 42, तो 14 थ्री था कितना 42 मिलेगा, मैं 14 वन जा 14 थ्री था, तो क्या मैं आपको 140 डिवाइड बाय 33 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आपको। तो देखिए अब क्या करना आपको 140 डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर क्या रूल दिया है, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, तो 33 प्लस 33 प्लस 3 36 माइनस 1, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 140 डिवाइड बाय 35 प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ब्रैकेट रिमूव, अब देखिए ये आपको ये 140 से हम क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली देखिए जाए इसको, तो आपको मिलेगा 140 डिवाइड बाय 35, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 35 अंदर में 140, तो 35 फोर्सा करते देखते 35 फोर्सा 20 कैरी 2 4 थ्री जा 12 प्लस 2 14, मतलब फोर्सा में कितना आएगा 140 00, तो मतलब वन जा और ये हो गया फोर्सा, तो आपको आंसर क्या मिला 4। तो देखिए आपको इतना आंसर आपको क्या मिला 4 आपका आंसर आ गया। तो सामने 4 देखिए देखिए आप कर्ली ब्रैकेट में उसके अंदर क्या मैंने 220 माइनस 140 प्लस फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट है फिर ये ठीक है। देखिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ से लेके तो इतना कर्ली ब्रैकेट है ठीक है, बट इसके अंदर क्या दिया आपको इतना पूरा क्या है इतना पूरा आपको राउंड ब्रैकेट है ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है सिंपल है स्मॉल ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। अभी ये 100 आपको लास्ट में क्यों इसमें कोई ब्रैकेट नहीं इसको आपको लास्ट में यूज करना है। तो देखिए स्टार्ट करते आपको क्या मिलेगा सॉल्यूशन, अब पहले ब्रैकेट है ये भी तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ओके। देखिए इसके अंदर देखिए आपको तीनों ब्रैकेट इसमें अंदर क्या आपको तीनों ब्रैकेट आया ठीक है। तो 220 माइनस 140 कितना मिलेगा आपको 0, ये होगा 12 में 8 4 गया तो 8 बचा ये 1 हो गया तो 0 आपको क्या 80 मिला, यहाँ पर लिखेंगे 80
और वो ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट है, तो 10 9 जा एपिसोड जानेंगे 9 लिखो प्लस, अब ये ब्रैकेट इसके अंदर ब्रैकेट है, पहले आपको इसको इन पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 5 10 तो -10 मिलेगा, ठीक है, -100। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा 80 प्लस, आप ब्रैकेट रिमूव कर दो, ये 10 9 90, अब इसको पहले यहाँ भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम, प्लस ये प्लस माइनस माइनस 10 और 10 मिलेगा, ठीक है, -100। अब तो ये करली ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है, अब देखिए करली ब्रैकेट 80 प्लस, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो प्लस माइनस माइनस 90 में 10 गया तो कितना बचा, 80 बचा, ब्रैकेट में ले लो ये ब्रैकेट, देखिए मान ये करली ब्रैकेट 100 है, अब देखिए 80 है प्लस 80 है माइनस 100, तो 80 प्लस 80 कितना बनेगा 160 माइनस 100। अब देखिए आप सिंपली ये ब्रैकेट रिमूव कर दो, ब्रैकेट रिमूव कर दो, तो 160 माइनस यहाँ प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 160 में 100 गया, तो ओनली आपको क्या मिलेगा 60 मिलेगा, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो प्रैक्टिस सेट तो ये आपको ये लास्ट समय पाए, तो पहले देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कभी भी 3/5 प्लस 3/8 है, अब मैं आपको बात पीछे बता क्या, कोई भी हम a/b है डिवाइड बाय p/n या m/n ले लो, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑलवेज इसको जो आपको a है आपको a रखना b रखना, अब जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और ये नंबर को उल्टा करना है, ये नंबर को उल्टा, तो n नीचे तो n ऊपर जाएगा और m नीचे आ गया, ठीक है, तो ये रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो डिवाइड को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, इसको ऊपर कर दो, 4 ऊपर गया 6 नीचे आ गया, ठीक है, अब देखिए आपका आता 4 डबल, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 2 6, तो देखिए 3/5 बचा है, प्लस ऊपर 1 बचा 1 लिखेंगे, नीचे 2 बचा, दो 2 लिखो, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ऊपर 1 नीचे 2, तो 3/5 मिला आपको, प्लस मल्टीप्लाई मतलब आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1, 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4, अब देखिए आपको बीच में प्लस है तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 4 3 ये आपको इसको इसको मतलब, तो 4 3 2 या 3 2 4 प्लस 5 2 1 अपॉन में 5 4 20, 5 2 4 करो, क्या करना आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको इससे करना है, नीचे नीचे से करना है, तो देखिए 5 4 3 4 12 प्लस 5 5 5 5 4 20, तो 12 प्लस 5 17 अपॉन में 20, तो ये आज आपका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स हमने प्रैक्टिस से 25 कंप्लीट किया, अगर अपने आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है किसी पिछले वीडियोस में पिछले प्रैक्टिस में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वापस सॉल्व करूँगा।